अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू फूड 101। आज हम बनाएंगे ओरिजिनल ग्लेज डोनट्स। बहुत मज़े के बने थे, एज़ यू कैन सी फ्रॉम द लुक के कितने फूले हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार से आए हूँ। सबको बहुत पसंद आएंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर घर में बच्चे हैं तो ये लंच में देने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत एरी टेक्सचर था, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी और बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसका डो प्रिपेयर करेंगे। आपने डालने हैं 2 एग योक्स। अब मैं कंप्लीट रेसिपी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगी। अब आप इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑलिव ऑयल, आप बटर भी ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे 1 पैकेट खमीर का इंस्टेंट यीस्ट, ये आपको अवेलेबल होगा मार्केट में, इजीली मिल जाता है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आपने 1/4 टीस्पून यूज़ करना है। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। जो डिटेल्ड मेजरमेंट्स हैं वैसे ही यूज़ कीजिएगा। फिर आप डालेंगे 1/4 कप ऑफ मिल्क। मिल्क आपने थोड़ा सा वार्म करके लेना है, बहुत ठंडा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसको अच्छे से करें मिक्स। अगर आप चाहें तो यहीं पे चीनी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर देना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं चीनी भूल गई थी डालना इस स्टेज पे, तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 कप ऑफ मैदा। और अब मैं इसे अच्छे से कर लूँगी मिक्स। मैदा जो है ना, इन टोटल हम लेंगे 2.5 कप। आधा मैंने यहाँ यूज़ किया है, मैंने 1 कप यहाँ पे यूज़ किया है और 1.5 कप मैं बाद में यूज़ करूँगी। जो मेजरमेंट्स हैं वो एग्ज़ैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वहाँ से देख के रेसिपी बनाइएगा, क्योंकि बेकिंग आइटम्स में मेजरमेंट जो हैं वही काउंट करती हैं। ज़रा सी मेजरमेंट आपकी ख़राब होगी, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब आप जो बाकी का 1.5 कप ऑफ मैदा था उसके अंदर आप डालेंगे जो मिक्सचर मैंने अभी बनाया है, इसको सारा डाल के आपने अच्छे से गूंद लेना है। अच्छा, अब इसमें आपने एक्सेसिव पानी नहीं डाल देना ये, क्योंकि जो है जब आप मिक्स कर रहे होंगे ना तो ये आपके हाथों से चिपकेगा, तो बिल्कुल मामूली सा एक छिट्टा पानी का लेके बस, मतलब ऐसे कि हल्का सा हाथ गीला करके आपने इसको मिक्स करके रख देना है। इसको गूंदना नहीं है स्टेज पे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मिक्स करके आपने ऊपर लगाना है सरिन रैप। अब देखिए, मैं चीनी भूल गई थी तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड की है। यहाँ चीनी डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब ये मेरे हाथों पे भी चिपक जाएगा, लेकिन ये जो डो होता है वो चिपकता ही है। जितनी ज़्यादा इसमें ये चिपकने वाला वो होगा एलिमेंट, उतना ही अच्छे बनेंगे आपके डोनट्स, ठीक है। रेसिपी पूरी देखिएगा, इसी में मैं टिप्स दूंगी, तब आपके डोनट्स सही बनेंगे, ठीक है। आधी रेसिपी देख के बंद नहीं कर दीजिएगा कि यहीं से समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, देन आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो अगर आपने अच्छे डोनट्स बनाने हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आप सरीन रैप मैं लगा रही हूँ, और मैंने इसको लगा के ऐसी जगह पे आपने इसको रखना है जहाँ पे हीट ज़्यादा हो, ठीक है। एटलीस्ट आपको 2-2.5 घंटे इसको रखें। ज़्यादा हीट होगी तो आधे घंटे में ही फूल जाएगा डो, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर बहुत गर्म नहीं है तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे रखें, आपका डो फूल जाएगा, ठीक है। अब ये प्रूफिंग का एक स्टेज होता है, मैंने यहाँ पर अब डो को प्रूफ कर लिया। अब मैं हल्का सा डस्ट कर रही हूँ अपने किचन काउंटर पे, इसको पहले आप अच्छे से साफ़ कर लें, उसके बाद जो आपका डो था आप इसके ऊपर डालें। और यहाँ पे अब हमने गूंदना स्टार्ट करना है, यहाँ पे निडिंग हम करेंगे। देखें, जिस तरह से मैं निड कर रही हूँ आपने इस तरह से इसको गूंदना है, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर बेलेंगे। ये देखिए कितना नरम हो गया। अब हल्का सा डस्ट करके मैं इसको बेल लूँगी। अच्छा, बहुत पतला नहीं बेलना आपने, नॉर्मल सा आपने इसको बेल लिया ताकि थोड़ा मोटा रहे, ठीक है। हम इसे बेलने के बाद जो है हम कटर से कट करेंगे और फिर प्रूफिंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया। अब जब ये अच्छे से बेल लिया आपने, इसे बहुत पतला नहीं बेलना, ठीक है। ये देखने में पतला लग रहा है लेकिन मैंने पतला नहीं बेला। उसके बाद आपने इसको कटर से कट कर ली। ये जो रेसिपी, जितने मतलब इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं ना, इजीली आपके 12 डोनट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें, अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई भी कोई ढक्कन किसी चीज़ का ले लें जो सर्कुलर, उसमें और इस तरह से कट कर लें। कट करने के बाद मैंने उसे साइड पर कर दिया। अब मैं इसकी ग्लेज बनाऊँगी, ठीक है। मैंने ली है ये आइसिंग शुगर, कितनी ली है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी।
इसमें 2 टीस्पून मैंने डाले हैं वनीला एसेंस और 3 टेबलस्पून डाला है मैंने मिल्क। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें कि आपका ग्लेज़ रेडी है, और अब आप इसको साइड पे रख दें। ये जितनी देर में हमारा ग्लेज़ तो रेडी हो गया, अब हमने इसको साइड पे रख के अपने डोनट्स को प्रूफिंग के लिए रख दिया था दोबारा से, उसको आप ढक के आपने हीट में रखा था। अब हम देखेंगे डोनट्स भी हमारे कट हुए हुए डोनट्स भूल गए होंगे, ठीक है। नाउ कीप इट अ साइड, ये देखें अब मैंने कट करके डोनट्स रखे थे, ये भी फूल गए हैं, प्रूफिंग हो गई है इनकी। अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। हीट आपने पहले कर लेना है ऑयल को थोड़ा प्री हीट, और फिर इस तरह करके आपने डोनट्स इसमें डालने हैं। आप या तो बटर पेपर के थ्रू ही अंदर डाल दें, या फिर इस तरह चम्मच से उठा के डालें जैसे मैंने डाला है, वरना इनकी शेप ख़राब होगी, शेप नहीं ख़राब होनी चाहिए। बस इसको आपने लो हीट पे बनाना है, और फिर जब आपकी मर्ज़ी का गोल्डन कलर हो जाए, आपको थोड़ा डार्क कलर पसंद है डार्क कर लें, लाइट पसंद है लाइट कर लें, और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना। ये देखें कितने प्यारे हल्के से ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही पफी मज़े के बने थे। एरी सा डोनट था, बड़ा लाइट सा। इस तरह आपने इसको निकाल के ऐसे ग्रिल पे रख लेना और ठंडा होने देना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आपने इस तरह ग्लेज में डाल के ना, ये देखें ऐसे डिप कर लेना है पूरा ऊपर नीचे, उसके बाद आप इसको ग्रिल पे रख दें ये, और फिर ठंडा होने दें। ये देखिए ऊपर उसकी ग्लेज कैसे आ गई है। तो ये डोनट्स बहुत ज़बरदस्त बने थे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, और हमें अप टू डेट रखें कि और आपको कौन सी रेसिपीज़ चाहिए। थैंक यू सो मच।